तीन नंबर तिहाड़ जेल में अंकित गुर्जर की मौत के बाद ही जेल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले परिवार वालों ने जेल पर धरना दिया और अंकित की हत्या का आरोप जेल प्रशासन पर लगाया। परिवार वालों के आरोपों को अब एक और कैदी का समर्थन मिला है, जो बताया जाता है कि वह अंकित गुर्जर के साथ ही जेल में बंद था। उसके मुताबिक जेल प्रशासन और अंकित गुर्जर के बीच मोबाइल फोन को लेकर झड़प हुई थी, जिसके बाद अंकित गुर्जर की बेरहमी से पिटाई की गई, जो उसकी मौत की वजह बना। 2017 में तिहाड़ नंबर जेल जी में बंधु 3 तारीख की शाम को 16 नंबर चक्की में नरेश मीना डीएस साहब सर्ची लेकर आए। वो अंकित गुर्जर की चक्की थी, मैं वहीं पे खड़ा हुआ था। वहाँ से फोन बरामद हुआ चक्की से, ऊपर से फोन बरामद करके नरेश मीना डीएस साहब ने अंकित को बाहर निकाल के उसमें चाटा मारा। जैसे ही चाटा मारा अंकित ने उल्टा चाटा मार दिया। चाटा मारने के बाद नरेंद्र मीना डी एस साहब चले गए। उसके बाद वो TSP लेकर आए, 30-35 के समथिंग TSP आई। TSP आने के बाद आधे घंटे तक लाठी चार्ज हुई अंकित भाई के ऊपर, जहाँ से फुलफान होकर उन्हें हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वालों ने रेफर किया DDU के लिए, पर प्रशासन ने उन्हें बाहर नहीं भेजा, अंदर ही लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद उसके बाद भी ये पता नहीं क्या। बताया जाता है कि उसी जेल में बंद था और एक दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था। थाना हरिनगर में मामला दर्ज है और फिलहाल जांच चल रही है। हमने भी इस पूरे मामले में पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त से पक्ष जानना चाहा कि आखिर माजरा क्या है। फिलहाल पुलिस प्रशासन इस मामले पर कुछ भी कहने से बचता नजर आता है। बाकी कई सवालों के जवाब अंकित गुर्जर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही मिलेंगे कि आखिर अंकित गुर्जर के शरीर पर चोट के निशान कैसे आए और उस 3 नंबर जेल में उस दिन क्या हुआ था जो अंकित गुर्जर की मौत की वजह बना। ऐसे ही तमाम सवालों के इंतजार में फिलहाल परिजन और पुलिस प्रशासन है, और यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा कि आखिर इस मामले का सच क्या है। दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।